मेरा नाम अरविंद है, अरविंद। स्कूल का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय भाटौर। तो तुम्हारे जो टीचर हैं प्रीति शर्मा हैं, उन्होंने क्या बता दी है? वो संविधान के लेखक कौन है, संविधान के निर्माता? संविधान के लेखक राजेंद्र प्रसाद को बता दी कि 389 लोगों ने लिखा है, लिखा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने है, पर वो अपने पंडितों का नाम आजाद करना चाहती है, इसलिए हमारे पंडितों ने लिखा है। देख, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उसको पुतवाया गया। देखिए यहाँ पर ये भी जो चित्र हैं कुछ, और इन चित्रों को नहीं पुतवाया है। और ये देखिए यहाँ पर है वो चित्र, ये चित्र जो है, ये आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र को पीले कलर से पुतवा दिया गया है। और इस चित्र को, ये जो बाबा साहेब की तस्वीर है, जो चित्र है, इसको पुतवा दिया गया है। और अगर और इससे भी ज्यादा कंडीशन खराब है, क्योंकि ये क्यों पुतवाई इन्होंने, इनसे बातचीत भी करेंगे हम। और ये देखिए और भी बहुत सारे चित्र हैं जो कि नहीं पुतवाए, ऐसा क्यों है कि जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये चित्र है, आप देख सकते हैं, दोबारा देखिए, ये पीले कलर से पुतवा दिया गया है। और इसका जो है क्या कंडीशन कर दी है, ये दिखाई भी नहीं दे रहा, और ये खत्म करने का इनका सिलसिला जारी है। भाई जी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के संबल जिले के ग्राम भाटौर में, और यहां पर हमें सुनने को मिला है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो तस्वीर है, जो प्रतिमा थी, एक पेंटिंग चित्र बनवाया था किसी जो है टीचर ने, और वो दूसरे जो टीचर आए हैं जो कि एक मनुवादी मानसिकता के लोग आए हैं, और उन्होंने जो टीचर का नाम क्या है, प्रीति शर्मा, जो टीचर का नाम है, उन्होंने जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो चित्र दी यहाँ पर, उस चित्र को जो है पीले कलर से पुतवा दिया गया है। आइए हम दिखाते हैं आपको, वहीं चलते हैं जहाँ पर पुतवाई है। और देखिए अगर और हम कोई चित्र देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर चित्र देखिए, ये पढ़ती हुई लड़की है, और बाकी ये तिरंगा का है, और ये और आप सभी जो अशोक की लाट है ये, बाकी अगर कोई चित्र देखेंगे, ये देखे ये छोटा भीम है, और आप कोई भी अगर चित्र देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी चित्र नहीं पुतवाया गया है। अगर वहीं हम चलते हैं जहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसको पुतवाया गया है। देखिए यहाँ पर ये भी जो चित्र हैं कुछ, और इन चित्रों को नहीं पुतवाया है। और ये देखिए यहाँ पर है वो चित्र, ये चित्र जो है, ये आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र को पीले कलर से पुतवा दिया गया है। और इस चित्र को, ये जो बाबा साहेब की तस्वीर है, जो चित्र है, इसको पुतवा दिया गया है। और अगर और इससे भी ज्यादा कंडीशन खराब है, क्योंकि ये क्यों पुतवाई इन्होंने, इनसे बातचीत भी करेंगे हम। और ये देखिए और भी बहुत सारे चित्र हैं जो कि नहीं पुतवाए, ऐसा क्यों है कि जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये चित्र है, आप देख सकते हैं, दोबारा देखिए, ये पीले कलर से पुतवा दिया गया है। और इसका जो है क्या कंडीशन कर दी है, ये दिखाई भी नहीं दे रहा, और ये खत्म करने का इनका सिलसिला जारी है। आइए देखें और भी जो चित्र हैं पूरे स्कूल में, उन चित्रों को नहीं पुतवाया, केवल और केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो चित्र है उसको ही क्यों पुतवाया। देखिए ये बाकी सब बहुत बहुत चित्र बनवाए हुए हैं, किसी चित्र को इस स्कूल में नहीं पुतवाया। देखिए आगे दिखाते हैं आपको स्कूल की बाकी हालत, देखिए आप ये देखिए स्कूल की कंडीशन, ये पूरा, ये देखें कितनी जो है इसकी, ये इस चित्र की कितनी बुरी हालत हो रखी है, लेकिन इसको नहीं पुतवाया और ना ही दोबारा बनवाया, लेकिन उसको पुतवा दिया, बनवाया भी नहीं। ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो कि जो इतने जलते हैं संविधान से और बाबा साहेब से। और सुना है कुछ जो बच्चे हमने उनसे बात की थी, वो बता रहे थे कि ये बताती हैं टीचर कि संविधान का जो निर्माता थे वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे, वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो बच्चों को सीख देती है टीचर, हमें बच्चों ने बताया था, जो तुम्हारे टीचर बताते हैं, तुम जो तुम्हारा नाम क्या ही होता है? मेरा नाम अरविंद है, अरविंद। स्कूल का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय भाटौर। तो तुम्हारे जो टीचर हैं प्रीति शर्मा हैं, उन्होंने क्या बताती हैं? वो संविधान के लेखक कौन है, संविधान के निर्माता? संविधान के लेखक राजेंद्र प्रसाद को बताती हैं कि 389 लोगों ने लिखा है, लिखा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने है, पर वो अपने पंडितों का नाम आजाद करना चाहती है, इसलिए हमारे पंडितों ने लिखा है। देखिए कैसी मानसिकता के लोग हैं यहाँ पर, कि जो
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसको बताते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान का निर्माण किया है। हाँ जी, तो आप बताएंगे ये इसका क्या कारण है बतवाने का? देखिए, आजकल क्या है कि बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान ही किया जा रहा है और ये जगह जगह देखने को भी मिलता है। अधिकतर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहकर के अंबिका ने प्रसिद्ध भी किया था। सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब ये बनता है कि ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान के भंडार। अब ऐसे महापुरुष जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ भारतीय संविधान बना करके तैयार किया, जिससे पूरा देश चलता है, देश ही नहीं इससे प्रेरणा भी अन्य देश भी लेते हैं। तो ऐसे महापुरुष का अपमान अगर हम लोग करें, और वो भी ब्राह्मणवाद ही सबसे ज़्यादा इस पर क्यों हावी रहता है, क्योंकि ब्राह्मणवाद की ही जड़ें उखाड़ने के लिए अम्बेडकरवाद है। अगर अम्बेडकरवाद अगर इतना फैल जाए तो ब्राह्मणवाद को उखाड़ करके फेंक देगा ऑटोमेटिक। और इसीलिए ब्राह्मणवाद ही अपने आप पर ये चाहता है कि जहाँ अम्बेडकरवाद फैलेगा वहाँ ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो इस ग्राम भाटौर में जनपद संबल उत्तर प्रदेश में जो टीचर आई है वो शर्मा है, प्रीति शर्मा। तमाम बच्चों ने बताया भी आपके आपके लिए, तो उसको मानसिकता जो है उसकी ब्राह्मणवाद की है, लेकिन वो मूर्ख इतनी है कि उसको इतना नहीं पता कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे कि उनको जो हिंदू कोर्ट बिल ला करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब संसद भवन के अंदर पेश किया था तो उनको सबसे ज़्यादा जो आज़ादी मिली थी वो हिंदू कोर्ट बिल से मिली थी, ना तो ब्राह्मणवाद की जो महिलाएँ हैं या बहुजन समाज की जो महिलाएँ, सबसे ज़्यादा हिंदू कोर्ट बिल से उनको स्वतंत्रता मिली है। और ये उसको शायद पता नहीं है, ये या उन्होंने भारतीय संविधान को या बहुजन समाज के महापुरुषों को इतिहास को पढ़ा नहीं है। यही कारण है कि वो बाबा साहब का अपमान करती है। और जहाँ बाबा साहब का अपमान किया जाता है, या मतलब ऐसे मान लीजिए किसी भी हिंदू वर्ण व्यवस्था के देवी देवता का अपमान किया जाता है, तो ये कहते हैं लोग कि हमारी आस्था को ठेस पहुँची है। जब इनकी आस्था को ठेस पहुँच सकती है, और यहाँ तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार कि चौधर तालाब जब सत्याग्रहण हुआ था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, तो सबसे पहले पानी की लड़ाई लड़ी थी। तो हम तो ये समझते हैं हमारे जीवनदाता ही नहीं, हमारे ईश्वर के रूप में जिनको माना जाए वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। अगर उन्हीं का अपमान हम सहेंगे तो हमसे बड़ा नकारा कोई नहीं है, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं प्रीति शर्मा के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना भी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं भारतीय मूल्यवासी संगठन से मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्य भी कर रहा हूँ जी। तो आपने जब ये पुताई हुई थी तो आपने रोका नहीं था? देखिए, मैं आज पहली बार स्कूल में आया हूँ, प्रवेश किया है मैंने, क्योंकि वो स्कूल में काम चल रहा था, अचानक मैंने देखा देखें क्या हो रहा है, और आज संडे भी है, तो जब मैंने देखा यहाँ सारे चित्र बने हुए हैं लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा ही क्यों पोत दी, तो मुझे कुछ अलग लगा। और मैंने कुछ लोगों से शिकायत भी की कि हमारे बहुजन समाज के लोग ही हैं इस गाँव के अंदर, टोटल ऐसी ही बिलोंग करती है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि जहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान होता है वहाँ समझना हम पर भी शोषण किया जाएगा, आज नहीं तो कल किया जाएगा। और जहाँ बाबा साहब का अपमान किया जाएगा वहाँ कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये नहीं होता है, प्रीति शर्मा के खिलाफ अगर मुकदमा नहीं किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ पूरे मंडल के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पर लाने का काम मैं करूँगा जी। धन्यवाद।